ये डीएसपी कंट्रोल कहने का मतलब क्या हुआ, ये एम्पलीफायर बजाने के लिए आपको इक्वलाइजर, क्रॉसओवर कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है। इसमें ये जो केबल है, ये जो केबल है आपको, ये जो केबल है, ये केबल इसके अंदर में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके इंस्टॉल करने के बाद में एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो कंपनी आपको फ्री में प्रोवाइड कराएगा। वो सॉफ्टवेयर अगर आप इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस कंट्रोलर से आप कंट्रोल कर सकोगे। देखिए अभी हम लोग एडी का, एडीएक्स का हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई केस में आया है, मतलब काफी अच्छा है, समझ गए। पैकेजिंग मैंने कंडीशन नहीं दिया गया है, अभी मालूम नहीं है अंदर में क्या है। देखते हैं ऊपर से कैसे, देखिए ये फ्रंट लिखा है, नीचे में बैक लिखा है, ठीक है। अब अंदर में देखते हैं, आइए खोलो इसको। ये एक केबल दिया गया है, क्या केबल है मुझे मालूम नहीं है, अभी थोड़ा देर में मालूम चलेगा। इसको साइड में रखते हैं, और ये वॉल्यूम कंट्रोल जैसा कुछ है, ये भी दिया गया है, मैं इसके बारे में भी बाद में डिटेल बोल दूंगा। और ये केबल, ये केबल यहाँ पर लगता है, इतना तो मुझे मालूम है, ये केबल यहाँ पर लगता है, ठीक है। इसका क्या काम है मैं आपको बाद में बोल दूंगा। इसमें भी बैक में देखते हैं, बैक में भाई इधर आओ, ठीक है। ये मशीन देखने में, बाकी पिछवाड़े तो पीछे का में सब सेम ही है, सिमिलर ही है। सबसे बड़ा बात, सौ बात की एक बात, मशीन में अभी हम लोग चेक करेंगे ये बजेगा कैसा, ठीक है। थोड़ा देर बाद मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये अभी सेटिंग करके इसको बजा के एक बार चेक करेंगे ये बजता कैसा है। इसमें फंक्शन क्या है मैं आपको डिटेल रूप से क्लियर बोल दूंगा अभी कनेक्शन करते हुए, ठीक है। करने से पहले इधर भाई, इधर इधर देखो, ये एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर है एनलैप का X8D विथ डीएसपी कंट्रोल, ठीक है। ये डीएसपी कंट्रोल कहने का मतलब क्या हुआ, ये एम्पलीफायर बजाने के लिए आपको इक्वलाइजर, क्रॉसओवर कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है। इसमें ये जो केबल है, ये जो केबल है आपको, ये जो केबल है, ये केबल इसके अंदर में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके इंस्टॉल करने के बाद में एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो कंपनी आपको फ्री में प्रोवाइड कराएगा। वो सॉफ्टवेयर अगर आप इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस कंट्रोलर से आप कंट्रोल कर सकोगे। आपको कितना क्या फ्रीक्वेंसी, सब कुछ क्या क्या रखना है, ABCD कुछ भी रखना हो तो आप आराम से कर सकते हो। अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। जब ये माल कलकत्ता डोडो ऑडियो का है, ठीक है, ये जो एम्पलीफायर है कलकत्ता का डोडो ऑडियो का है, ये भाई को पास जब पहुंचेगा तब हम लोग उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग साउंड चेक करके भाई के पास आज ही माल इसको भेजेंगे, ठीक है भाई। थोड़ा वॉल्यूम दो भाई, प्ले करो का ना। कभी भी एम्पलीफायर बजाते हैं हम लोग, आप लोग कैसे करते हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग फोन अच्छा वाइब्रेशन अच्छा मिलेगा बोल के वॉल्यूम फुल रखते हैं भाई, समझ गए। हम लोग आप कैसे करते हो आपको हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम जब भी बजाते हैं हम लोग वॉल्यूम फुल रखते हैं। अभी भी वॉल्यूम फुल रख के ही काम कर रहा है भाई, बजाओ एक बार। दूसरा चैनल भी एक बार चेक करो, पहला चैनल चेक हो चुका है, अभी खाली साउंड चेक हो रहा है। एम्पलीफायर चेक बोले या साउंड चेक बोले,
कुछ भी चेक हो रहा है बस। दूसरा चैनल में एक बार लगा के देखो, उधर में भाई दूसरा चैनल में चेक कर रहा है, ठीक है। मैंने वॉल्यूम अप करके रखा है, आप टेंशन मत करो, ठीक है। दो दो दो, देखो फुल, देखिए अभी केवल हम लोग साउंड चेक करने के लिए केवल एक डबल टब बजाए, माने समझ गए 7x5 केवल एक, जिसमें स्पीकर है 650 + 650 + 100 750 का HF है, ठीक है। और मिक्सर भी कोई खास नहीं, SM6 दिए हैं। और मैं पीछे का आपको एक बार दृश्य दिखाऊंगा, पीछे में क्या है, ठीक है। एक मिनट मैं लाइट जला लेता हूं, पहले आपको मालूम नहीं चलेगा। अरे लाइट कहां से जलता है, जल गया, ठीक है। इधर देखिए, इनपुट आउटपुट, ये सेंसिटिविटी और ये गेन, ठीक है। इधर में मोड है, लो पास, हाई पास, लिमिटर, ग्राउंडिंग, माने दूसरा एम्पलीफायर में जो जो होता है सब कुछ है, समझ गए। इधर में 20 एम्पियर का फ्यूज भी दिया गया है, देखिए इधर में आपको दिख रहा होगा 20 एम्पियर का फ्यूज, माने दूसरा एम्पलीफायर में जो जो पीछे में होता है सभी है, ठीक है। अंदर में इसमें 4 फैन होता है, इतना मुझे मालूम है, मैं कंपनी से बात कर चुका हूं, क्योंकि ये एम्पलीफायर मैं आज सेकेंड टाइम देखा, फर्स्ट टाइम कॉल में देखा था और आज मैं सेकेंड टाइम देखा है। ये डोडो ऑडियो को मालूम चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, और किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। ये अपना लाइफ का सेकेंड एम्पलीफायर है, इसके आगे भी कॉल में हम लोग एक मशीन का अनबॉक्सिंग किए हुए थे, क्या बोले उसको छोड़ दीजिए भाई, भूल जाइए, वो कोई बड़ा बात नहीं है। ओवरऑल मशीन ठीक है, समझ गए। अभी कुछ भी साउंड चेक नहीं किया, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर है मशीन में, इतना ज्यादा प्रेशर है। मैं आज करीबन ये मशीन को सुबह में कितना, 2 घंटा बजाए ना हम लोग, सुबह में 2 घंटा बजाए हैं इसको। अभी केवल आप लोगों को केवल वीडियो बनाने के लिए मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एम्पलीफायर चेक करने से आगे मुझे सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना, उसके बाद ना आप लोग को बोलूं। अगर मुझे सेटिस्फाई हुआ नहीं तो मैं वीडियो किस बात का बनाऊं, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। पहले मैं सेटिस्फाई हो गया, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है भाई। अब बोलिए हम दो, फिर से और एक बार बोल दूं भाई, अगर आप लोग को कोई ये एम्पलीफायर अगर प्रोफेशनल रूप में चाहिए, तो आप लोग को इसके लिए कोई एक्स्ट्रा इक्वलाइजर, क्रॉसओवर, माने कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर मिलता है, इसके एम्पलीफायर के साथ में एक फ्री में आप लोग को सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, इस केबल की सहायता से आप लोग एम्पलीफायर में सॉफ्टवेयर अपलोड करके आप लोग आराम से डिजिटल रूप से एम्पलीफायर चला सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट डिजिटल एम्पलीफायर है, समझ गए। ये डिजिटल एम्पलीफायर है, एनलैप इसीलिए बहुत अच्छा माल लॉन्च कर रहा है, इसीलिए डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अपना गोडाउन छोटा है, समझ गए, अपना गोडाउन छोटा है, अपना जो है अपना यही है, इसीलिए इतना छोटा गोडाउन में साउंड भी यही चेक करते हैं, साउंड भी सब कुछ लगते हैं। कोई हम प्रोफेशनल यूट्यूबर तो है नहीं हम, लेकिन एक बात इतना है, सभी कंपनी की फटती जरूर है मुझसे, क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं, अच्छा को अच्छा बोलते हैं और खराब को खराब बोलते हैं। भाई आपको अच्छा है तो ठीक है, वरना फिर आपको मालूम है। बस आज के लिए इतना ही, दूसरा वीडियो मिलेंगे। अगर आप लोग अगर एनलैप का प्रोडक्ट यूज करते हो, तो एनलैप से कोई भी शिकायत आपको है, तो आप मुझे निसंकोच मुझे आप बोल सकते हो, विथ प्रूफ के साथ में मैं आपका वीडियो, एनलैप हो या कोई भी कंपनी का वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे वीडियो सहित मुझे आप प्रूफ के साथ में आप मुझे वीडियो भेजिए, मैं एकदम आराम से मेरी जिम्मेदारी में वीडियो अपलोड करूंगा, समझ गए। मैं कोई कंपनी से भाई डरता नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग पेमेंट वीडियो बनाते नहीं है, हम लोग खरीद के वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। ये डोडो ऑडियो जो मेरा भाया से एम्पलीफायर ले रहा है, ऐसा नहीं जो क्या बोलेंगे उसको आपको अभी, डोडो ऑडियो डायरेक्ट भी एनलैप का माल परचेस कर सकता था, ऐसा नहीं जो वो एनलैप को नहीं पहचानता है। क्यों मेरे भाई से लिया, अगर एम्पलीफायर में कुछ प्रॉब्लम हो तो किशोर भाई एकदम सच्चाई बोलता है बोल के डोडो ऑडियो ने मुझे इतना विश्वास किया था। मैं भगवान से आशीर्वाद करता हूँ बस डोडो भाई का, मैंने आशा में मैं खरा उतरू, ठीक है। अगर किसी को भी कोई भी एनलैप का प्रोडक्ट में कंप्लेन हो, ऐसा नहीं भाई मैं किसी कंपनी का बिका हुआ बंदा हूं नहीं, कोई भी कंपनी हो
एनएक्स ऑडियो, एनलेब, जेबीएल, आरसीएफ, किसी भी अगर या बीएनसी या कोई भी ईटीसी कोई भी कंपनी में अगर आप लोग को बजाते हुए कंप्लेन आ रही है तो भाई आप मुझे कंप्लेन करो, मैं एकदम 100% आप लोग को हेल्प करूंगा। बस आज के लिए इतना ही, दूसरा वीडियो मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।